जो मीटिंग हुआ है काफी महिलाएं आज मौजूद थी, इस तालुक का देखिए हमारे वार्ड में हमारे पगरू भाई हैं, आमिर भाई हैं, आज जो लड़के हैं हमारे टीम में हैं, यहाँ पे सब लोग जो हैं बहुत दिल से काम करते हैं, सबों का काम करते हैं। लक्की भंडार हो, स्वास्थ्य कार्ड हो, श्री हो, खाद्य साथी हो, जो भी हो, लक्की भंडार हो, सबका काम जो है इस इलाके का पूरा काम नौ बूथ का काम अकेला देखते हैं हमारे फकरू भाई, आमिर भाई और जो लड़के लोग उनके साथ में हैं वो सब देखते हैं। ये वजह है कि जब बुलाते हैं तो सारी औरतें घर से निकल के चली आती है। ये मेरा कारनामा नहीं है समझिए, ये कारनामा फकरू भाई का, आमिर का है, उनकी टीम का है। बस हम काउंसलर हैं यहाँ के, मेरा फर्ज बनता है कि हम लोगों का साथ दें, जो लोग यहाँ आए हैं उनका काम करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें। देखने के देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हर जाति के लोग हैं, मुसलमान माँ बहनें भी भरी हुई हैं, हिंदू माँ बहनें भी भरी हुई हैं, सभी जात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोग जात पात लेकर मीटिंग करते नहीं, हम लोग खाली अपना काम का लेकर मीटिंग करते हैं, वोट मांगते हैं। हमने अगर काम किया तो वोट दीजिए, काम नहीं किया तो हमको वोट मत दीजिए। आप पिछले दिनों राजस्थान में जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि इंडियन गठबंधन की सरकार बनेगी तो सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दिया जाएगा और साथ ही साथ मुसलमानों को घुसपैठिया भी बोला गया है, इस तालुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए तो पुराना लाभ है, वो तो पार्लियामेंट नासी ले आए, सी ए ले आए, आप मुसलमानों को टारगेट बना करके जब हिंदू लोग का वोट लेना चाहते हैं तो जो जो बेवकूफ हिंदू भाई होंगे, अकलमंद हिंदू भाई होंगे तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे वो लोग जो है इंडिया गठबंधन को भी वोट देंगे, बता दे रहे आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ बीजेपी गवर्नमेंट के पास आए, इस तालुक से आप क्या कहना? देखिए 8,000 करोड़ तो नाम का दिखाने का खाली है, इसके अलावा कितना करोड़ 1,000 करोड़ रुपया आया है वो पहले उसका हिसाब मिले। आज सबसे ज़्यादा करके मैंने ब्लैक मनी कहीं है तो बीजेपी के लोगों के पास में है, वहाँ ना कभी ईडी जाती है, ना आपके जो है NIA जाता है, ना इनकम टैक्स वाला जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है, सबको छूट है जो दिल में आया करो। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पे जो है अगर आप भूल भाल से कहीं भी हंसे पड़ा कुछ खा भी लेंगे तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको, ईडी को और आपके CBI को। तो यहाँ ED CBI काम कर रहा है, हमारा आवाम का काम नहीं हो रहा। आवाम को क्या मिला 10 साल में, क्या मिला मोदी जी क्या दिए? ये जात पात, लोगों में बंटवारा, देश का बंटवारा, ये चाहते हैं मोदी जी? ये हम लोग नहीं चाहते। तृणमूल कांग्रेस की नीति नहीं है, ममता बनर्जी की नीति नहीं है, अभिषेक बंदोपाध्याय की नीति नहीं है, हमारे पार्टी का नहीं। हम जो नीति जो है साफ सुथरा है, हम सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पंजाबी है, हम सब के लिए हैं, सबका हम लोग सेवा करेंगे तब उनसे वोट मांगेंगे। जिस तरह से पूरे देश में फौज में भर्ती होने के लिए लोग जो अग्निवीर योजना आया है जिसको 15 साल का बदले 4 साल कर दिया गया है, इस तालुक से आप क्या कहना? देखिए ये तो इलेक्शन का जो है ये मने जो है लॉलीपॉप है, 4 साल काम करके उसके बाद कहाँ काम करेगा वो बताइए आप। और फौज में जाने के लिए ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग जो है 6 महीना ट्रेनिंग लगता है, 6 महीना 6 महीने तक आगे ट्रेनिंग पूरा होता नहीं है, और वो भी पूरा फिट होगा तो उसी को नौकरी मिलेगा 4 साल के लिए, अगर फिट नहीं होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगा। तो 4 साल नौकरी करके फायदा क्या, पूरा लाइफ क्या करेगा? तो मैंने आदमी का लाइफ खराब करना। मोदी जी ने कहा है कि हम लोग 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देते फ्री में, कहाँ मिलता है मेरे भाई? ये दीदी बोले पूरे बंगाल में हम राशन देते फ्री में, खाद्य साथी 5 रुपये में लोग खाना खाते हैं, 5 रुपये में अंडा, सब्जी, दाल, चावल, हर हफ्ते में एक दिन चिकन भी 5 रुपये में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं बिकता है कहीं मिलता है कि 5 रुपये में पेट भर ले आदमी, या 5 रुपये में भी भर लेता है। ये ममता बनर्जी का क्रेडिट है, ममता बनर्जी का कारनामा है। एक आखिरी सवाल साहब,
जितने भी गार्डन रिच और मटिया ब्रिज के लोग हैं, एक तारीख को इलेक्शन है, इस तालुक से आप क्या कहना चाहते हैं वोटर? देखिए, लोगों ने अपना मिजाज बना लिया है। जानते हैं कि बंगाल में जब तक दीदी है, बंगाल अमन है, शांति है, भाईचारा है, तो हमको बंगाल का बचाना है, भाईचारा को रखना है, अगर कायम रखना है, सब लोग मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर रहे, एक साथ रहे, हाँ शांति रहे, अगर तो टीएमसी को लोग वोट देंगे, दूसरे किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।